भाजपा के कार्यकर्ता विजय जी जिनकी दुखद मौत हो गई, उसके गुनाहगार भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर जब जांच की गई तो पहले वो तारा हॉस्पिटल जाते हैं, ब्रेन का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, और वहां से सीधे उनको भेज दिया जाता है पीएमसी। जो कार्यकर्ता आपके लिए खून पसीना बहाया, उसकी शारीरिक परेशानी हुई, आपके द्वारा नियंत्रण किए गए हॉस्पिटल पहुंचता है, आपने इलाज तक उनका नहीं कराया और उनको पीएमसीएच भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि तारा हॉस्पिटल जो ब्रेन का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, भाजपा का मालिकाना हक है उस पर, भाजपा के माननीय विधायक का, वहां उस व्यक्ति का इलाज क्यों नहीं कराया गया? भाजपा द्वारा आयोजित शिक्षकों के सवाल को केंद्रित करके किए गए मार्च, जिसको शिक्षकों ने नकार दिया, और भाजपा के कार्यकर्ता विजय जी जिनकी दुखद मौत हो गई, उसके गुनाहगार भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर है। अपने कार्यकर्ता जो उनके हैं, जो तारा हॉस्पिटल भाजपा के माननीय विधायक का के पास मालिकाना हक है, वह पीड़ित व्यक्ति और इसके गवाह बने भरत प्रसाद चंद्रवंशी, उन्होंने उनके बयान के आधार पर जब जांच की गई तो पहले वो तारा हॉस्पिटल जाते हैं, ब्रेन का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, और वहां से सीधे उनको भेज दिया जाता है पीएमसीएच। अरे भाई, कैसे कार्यकर्ता का सम्मान आप करते हैं? जो कार्यकर्ता आपके लिए खून पसीना बहाया, उसकी शारीरिक परेशानी हुई, आपके द्वारा नियंत्रण किए गए हॉस्पिटल पहुंचता है, आपने इलाज तक उनका नहीं कराया और उनको पीएमसीएच भेज दिया, और आज भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि तारा हॉस्पिटल जो ब्रेन का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, भाजपा का मालिकाना हक है उस पर, भाजपा के माननीय विधायक का, वहां उस व्यक्ति का इलाज क्यों नहीं कराया गया? और साथ ही साथ सदन के अंदर अगर अपनी बात आप कहिएगा तो जवाब सुनने को तैयार रहिएगा, और आपका चाल चरित्र का खुलासा किया जाएगा कि 28/12/2021 को जब आप सरकार में थे, पंचायती राज मंत्री माननीय सम्राट चौधरी थे, वार्ड सचिव जब भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप लोग कहे कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, उन पर आंसू गैस, टीयर गैस, उन पर यह पानी का फुहारा चलाया गया, तो उस समय तो आप प्रतिबंधित क्षेत्र मान रहे थे। तो आज डाक बंगला से ही तक अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में आप गए हैं, तो यह गुनाह आपका है।